कृषि विज्ञान केंद्र कंडाघाट में बुधवार को जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन कृषि आत्मा विभाग द्वारा किया गया। कार्यक्रम में शिमला के सांसद वीरेंद्र कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि सोलन भाजपा नेता राजेश कश्यप, सोलन भाजपा मंडल के अध्यक्ष रविंद्र परिहार विशेष रूप से उपस्थित रहे। कंडाघाट में आयोजित इस किसान मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी कैसे दुगनी की जाए व सरकार की योजनाओं का किसानों को कैसे लाभ मिल सकता है के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना था। मुख्य अतिथि ने कृषि प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। मेले के दौरान उद्यान विभाग, कृषि विभाग व बागवानी विभाग के अधिकारियों द्वारा उपस्थित किसानों को अपनी अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी। किसानों की जो आमदनी कैसे डबल हो और सरकार की जो योजना है वो किस तरह से उनको लाभ पहुँचा सकती है, उसके माध्यम से मैं कह सकता हूं कि आज हमारा किसान प्रॉस्पेरिटी की ओर आगे बढ़ रहा है। और इसी वजह से आज यहां पर भी जो हमारे ये कृषि विभाग के द्वारा जो केंद्र से संबंधित हैं, हमारा विज्ञान केंद्र कंडाघाट में डेढ़ घाट में स्थित है, वहां पर 500-700 जो हमारे किसान हैं उनको आमंत्रित किया गया है। और किस तरह से योजनाएँ जो है आगे बढ़ेंगी, हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी से और विभाग से साइंटिस्ट और अधिकारी आए हैं जो हमारे किसानों को आज ये बताएंगे। आज मेरा भी यहाँ पर आना हुआ है और मैं अपने सभी किसानों को बहुत बहुत अपनी तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से सभी किसानों को और साथ ही साथ अपने वैज्ञानिकों को और कर्मचारी अधिकारियों को जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स डावर आमला हेयर ऑयल मिस हिमाचल 2019। अविवाहित युवतियों के लिए एक सुनहरा मौका अपनी प्रतिभा को दिखाने का, भाग लीजिए ऑडिशन में, जल्द आ रहे हैं आपके शहर। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल और फेसबुक पर मिस हिमाचल का पेज लाइक करना ना भूलें।